भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मोदी सरकार 3.0 में दूसरी मरतबा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद 4 अक्टूबर को अपने गृह जिला बिलासपुर आ रहे हैं। वहीं जगत प्रकाश नड्डा का बिलासपुर दौरा तय होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जिला भाजपा कार्यालय में बैठक का भी आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा, बिलासपुर विधायक त्रिलोक जम्वाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग व भाजपा जिलाध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान मौजूद रहे। वहीं जगत प्रकाश नड्डा के दौरे के संबंध में जानकारी देते हुए नैना देवी विधायक व प्रदेश मीडिया संयोजक रणधीर शर्मा ने कहा कि 4 अक्टूबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर के ऑडिटोरियम में जिला से करीब 10,000 कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। वहीं बिलासपुर में आयोजित अभिनंदन समारोह के बाद जिला बार काउंसिल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और फिर एम्स अस्पताल में समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद धौलौरा स्थित बाबा नाहर सिंह मंदिर में नवरात्रों के उपलक्ष्य पर दुर्गा समिति के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्र में दूसरी बार मंत्री बनने के बाद और राज्यसभा में नेता बनने के बाद पहली बार बिलासपुर आ रहे हैं। बड़े दिनों से उनके दौरे का इंतजार था। अभी 4 अक्टूबर 2024 को उनका जिला बिलासपुर का दौरा तय हुआ है, जिस दौरान उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर गर्ल्स स्कूल के पास भाषा एवं संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम के प्रांगण में एक भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित करेगी, जिसमें जिले के चारों मंडलों के 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता भाग लेंगे और अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि उनका स्वागत सम्मान करेंगे और एक भव्य समारोह वहां पर आयोजित किया जाएगा। उसके बाद आदरणीय नड्डा जी बार काउंसिल के कार्यक्रम में जाकर एम्स में भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और शाम को धौलरा मंदिर में दुर्गा समिति के कार्यक्रम में भी वो रहेंगे। इस तरह से उनका जो एक दिवसीय दौरा है उसकी विस्तृत योजना बनाने के लिए, रणनीति बनाने के लिए आज जिला की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई, जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान जी की अध्यक्षता में, जिसमें आदरणीय त्रिलोक जी, आदरणीय गर्ग जी विशेष रूप से उपस्थित रहे और पूरी तैयारियों को लेकर हमने यहाँ पर रणनीति बनाई है ताकि वो कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, भव्य हो और शानदार हो। निश्चित रूप से हमने तो ये विषय जब सर्वदलीय बैठक सरकार ने बुलाई थी और पार्टी की तरफ से मुझे प्रतिनिधि के नाते वहाँ भेजा था, तो हमने वहाँ पर भी की थी कि समस्या उनसे नहीं है जो हिमाचल के मूल निवासी हैं। हिमाचल के मूल निवासी तो किसी भी समुदाय के हैं, वो भाईचारे के साथ रहते हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हैं, परंतु जो प्रवासी लोग आ रहे हैं उनकी पहचान नहीं होती, इसलिए वो आकर यहाँ असामाजिक जो है गतिविधियाँ करते हैं। यहाँ कई तरह के जो सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से सरकारी भवन बने हैं, मस्जिदों का नाम दिया गया, वहाँ रहते हैं और इस तरह की सामाजिक गतिविधियाँ। इसलिए हमने सुझाव दिया था कि जो भी प्रवासी आए, रोटी रोजी कमाने के नाम पर आते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते, परंतु उनकी आइडेंटिफिकेशन हो, पहचान हो और उनके करेक्टर वेरिफिकेशन हो, जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ के थाने से वो लिखा हुआ है कि इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है। ये बात हमने ही सर्वदलीय बैठक में की थी। मुख्यमंत्री जी ने जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने के लिए एक सर्वदलीय जो विधायकों की कमेटी बनाई है, जिसमें मैं भी सदस्य हूँ, परंतु अभी उस कमेटी की बैठक नहीं हुई है। उससे पहले ही जो मंत्री विक्रमादित्य जी, वो भी कमेटी के सदस्य हैं, उनके पास शहरी विकास विभाग भी है, हो सकता है उन्होंने विभाग में निर्णय लिया हो या बिना निर्णय लिए कहा, मुझे नहीं जानकारी, परंतु हम तो इसका स्वागत करते हैं कि जो भी हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, कोई भी काम धंधा कर रहा है, उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो, उसकी करेक्टर वेरिफिकेशन हो।